नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी के जन्मोत्सव पर मीटिंग का हुआ आयोजन। मुरादाबाद में मंगलवार को जिगर कॉलोनी स्थित सिद्ध पीठ दरबार में आदि भवानी पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी श्री परिवार महायज्ञ समिति द्वारा भव्य मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी के 44वें जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं और बड़े हर्ष के साथ परम श्रद्धेय गुरुदेव की प्रेरणा एवं मां बगलामुखी देवी की असीम कृपा से भवानी पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी श्री परिवार महायज्ञ समिति द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बगलामुखी देवी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और देवी के जन्मोत्सव पर समिति विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 20 मई को भव्य शोभा यात्रा महानगर के मुख्य बाजार से निकाली जाएगी। द्वितीय दिवस पर पूजन एवं आवाहन के पश्चात विश्व शांति हेतु रुद्राभिषेक, शिव विवाह, महायज्ञ एवं विशाल भंडारा वितरण व भजन संध्या एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष सिद्धपीठ गुरु श्री राजेंद्र पाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, सचिव सह संयोजक श्री प्रशांत रस्तोगी, संयोजक अमित सरीन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम भींगरा, राहिल गुलाटी, अजय भींगरा, संजय सिंघल, उमेश सिक्का, रूप किशोर गुप्ता, अनिल सचदेवा, मुनेन्द्र शर्मा, संजय रस्तोगी, नितिन गुप्ता, देवांश रस्तोगी, निशांत रस्तोगी, पुष्पेंद्र अग्रवाल, रचित अग्रवाल आदि अन्य श्री परिवार महायज्ञ समिति पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। करते हुए माँ के आशीर्वाद के साथ आज हम सभी लोग माँ का जन्मोत्सव जो हम 44वां स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं राजेंद्र पाल गुप्ता माँ के श्री चरणों से कार्यक्रम के संबंध में मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा। पूर्व वर्षों की भांत इस वर्ष भी हम माँ का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें 14 मई को हम भूमि पूजन के रूप में मनाएंगे। अब के स्थान जो हम पार्क में होली पार्क में मनाते थे, कुछ जगह छोटी रहती थी और कुछ प्रशासनिक बाधाओं के बाद हम ये चांदमारी के पास जो ग्राउंड है उसमें मनाने जा रहे हैं। इसी के क्रम में 20 मई को शोभा यात्रा के रूप में संपन्न किया जाएगा, जिसमें माँ नगर भ्रमण के रूप में यहाँ विराजमान होंगी। 21 को सुबह पूजन, दोपहर में रुद्राभिषेक और शाम को शुभ विवाह के साथ 21 मई का कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रातः मुख्य रूप से 22 तारीख को यज्ञ के पूर्व अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जो मंत्रोच्चारण के साथ शुरू होगी। यज्ञ जो 2 और 2:30 बजे तक संपन्न किया जाएगा और उसके बाद विशाल भंडारा संपन्न होगा और शाम के सत्र में भजन संध्या और सम्मान समारोह के रूप में हम जन्मोत्सव कार्यक्रम को पूर्णता और विराम देंगे। मैं सभी भक्तजनों को और धर्म प्रेमियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आकर धर्म लाभ प्राप्त करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज माँ के श्री चरणों से सभी को आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ।